Assalamu alaikum. Okay, students, welcome back after a long time. We are dealing with the numericals of chapter number 12, electrostatics now. And the first topic we are dealing is Coulomb's law. Sorry. So, the first question is, two point charges of plus 2 exponent minus 4 and minus 2 exponent minus 4. So, this is one point charge plus 2 exponent minus 4. It should be something like this. Exponent minus 4 coulombs, and this is minus 2 exponent minus 4, so this should be something like this. Minus 2 exponent minus 4 coulombs are placed at a distance of 40 centimeters. So this is the distance between the charges, 40 centimeter. Ek dusre se itni door hai, right? A charge of positive 5 exponent minus 5 coulombs is placed midway between them. Achha, midway ka matlab hota hai कि आप दोनों का जो डिस्टेंस है उसको डिवाइड बाय हाफ कर दें, ठीक है? तो इसका मतलब है कि आप हाफ लेंगे और हाफ को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 40 से. तो दिस इज गोइंग टू बी समवेयर हियर. ये एक चार्ज है, इसका यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है दैट इज 20 सेंटीमीटर, और इसका यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है दैट इज 20 सेंटीमीटर. तो बेसिकली यहां पे जो हम फोर्स का फार्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड कूलम्स लॉ. और कूलम्स लॉ कुछ इस तरह लिखा जाता है, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. नाउ इफ यू स्टार्ट विद द डेटा, तो आप सबसे पहले इस वाले चार्ज को कह सकते हैं Q1. तो Q1 की वैल्यू है 2 एक्सपोनेंट माइनस 4 कूलम्स. इस वाले चार्ज को कह सकते हैं Q2, दिस इज Q2, इसकी वैल्यू है 2 एक्सपोनेंट माइनस 4 कूलम्स. ऑफ कोर्स ये पॉजिटिव नेगेटिव है, बट इससे सिर्फ हमारी डायरेक्शन में फर्क पड़ेगा, मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. और इस वाले चार्ज को आप कह सकते हैं Q. तो Q की वैल्यू है 5 एक्सपोनेंट माइनस 5 कूलम्स. फिर हमारे पास जो K होता है जिसको हम कूलम्स कांस्टेंट कहते हैं, इसकी वैल्यू है 9 एक्सपोनेंट 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर, आई गेस यस, न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम्स स्क्वायर. अब प्रॉब्लम आ जाती है आर की, तो मैं आपको आर समझा दूं. देखिए, आर कहलाता है डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस. तो अब अगर हम क्यू के ऊपर फोर्सेस मालूम करने जा रहे हैं, तो क्यू की जो इस वाले चार्ज से डिस्टेंसेस हैं वो है 20 सेंटीमीटर, जिसकी वजह से पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे और ये एक फोर्स जनरेट होगी. और क्यू का जो इस वाले चार्ज से डिस्टेंस है ये है 20 सेंटीमीटर अगेन, और इससे भी जो फोर्स जनरेट होगी वो अट्रैक्टिव होगी, जो कि सेम डायरेक्शन में होगी, सेम मैग्नीट्यूड की होगी. तो हमारे पास जो रेडियस R1 है, इसको इस वाले डिस्टेंस को हम R1 कह सकते हैं और इस वाले डिस्टेंस को हम R2 कह सकते हैं, यहां से लेके 20 सेंटीमीटर यहां तक. तो हम कह सकते हैं R1 is equal to R2 and both are equal to R and both are equal to 20 सेंटीमीटर. जिस 20 सेंटीमीटर को आप कन्वर्ट करके लिख सकते हैं 0.2 मीटर्स. सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल. द स्ट्रेटजी इज कि आप सबसे पहले मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मालूम करने के लिए कूलम्स लॉ अप्लाई करेंगे बिटवीन दिस चार्ज एंड दिस चार्ज. फिर आप मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मालूम करेंगे दोबारा कूलम्स लॉ अप्लाई करके बिटवीन दिस चार्ज एंड दिस चार्ज. और जब आपको दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड्स मिल जाएंगे, तो चूंकि डायरेक्शन सेम है तो आप उन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे और आखिर में डायरेक्शन ऑफ फोर्स के साथ अपने आंसर को मेंशन कर देंगे. तो लेट्स बिगिन विद द सॉल्यूशन. सबसे पहले आप लिखेंगे फोर्स ऑफ क्यू वन on Q. सही है, तो फॉर्मूला होगा F, इसको मैं लिख देता हूं, लेट्स से F Q 1 Q is equal to K Q Q 1 divided by R 1 square. अब चूंकि हमें सारी वैल्यूज मालूम है, तो हम अगले स्टेप में वैल्यूज पुट कर देते हैं. F Q 1 on Q is equal to 9 exponent 9 multiplied by 5 exponent minus 5 multiplied by 2 exponent minus 4 divided by 0.2 or 0.2 का क्या हो जाएगा squared, right? So this is how you are going to deal with this one. अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं, हम इसको आगे further conduct कर सकते हैं. FQ1Q is equal to ये negative exponent positive exponent से cancel हो जाएंगे और आपके पास इसको solve करके जो answer आएगा that answer will be equal to 2250 newtons. Now this force is between the positive charge and the positive charge, so this is the force of repulsion. Now you will write the second heading. Second heading will be force of Q2 on Q, or ye ho jayegi F Q2
on Q is equal to K Q Q2 divided by R square. F Q2 on Q is equal to 9 exponent 9 multiplied by 5 exponent minus 5 multiplied by 2 exponent minus 4 divided by 0.2 squared. अब देखें ये भी बिल्कुल वही वाली वैल्यूज है जो यहाँ पे थी, तो बिल्कुल सेम आंसर्स आएंगे आपके, और आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी मोस्ट प्रोबेबली वी कैन राइट डाउन हियर द आंसर विल बी एफ क्यू क्यू टू इज सॉरी एफ ऑफ क्यू टू ऑन क्यू इज इक्वल टू डबल टू फाइव जीरो न्यूटन्स. नाउ अब चूंकि ये दो अलग अलग फोर्सेस हैं, आपको कंबाइंड फोर्स मालूम करनी है. लेट्स गेट बैक टू द डायग्राम. हम डायग्राम देखें अगर अपनी, तो डायग्राम में ये बात क्लियरली हमें समझ आती है कि ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस वाले पॉजिटिव चार्ज पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ये वाला नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा. तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगी दैट विल बी द वेक्टर सम ऑफ बोथ द फोर्सेस. सो यू विल राइट रिजल्टेंट फोर्स एफ इज इक्वल टू एफ क्यू वन ऑन क्यू प्लस एफ क्यू टू ऑन क्यू. So F is equal to double two five zero newton plus double two five zero newton. So which will be equal to 4500 newtons. Now this is the magnitude of force on the positive test charge of 5 exponent minus 5 coulombs. What will be the direction? So aap likhenge ke direction of force is towards the negative charge. This is what is the direction. Thank you very much. I will see you in the next video.